अनसीन वर्च्यू एंड विजिबल रिवॉर्ड, अप्रत्यक्ष पुण्य और प्रत्यक्ष पुरस्कार। एक मानव का विश्वासघाती होना इससे अधिक भयंकर कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई और छोटा भाई अपने में एक दूसरे से मेल खाते थे। वे लोटस सूत्र के शत्रु बन गए और उन्होंने तुम्हारे साथ संबंध तोड़ दिए, तो वे ही विश्वासघाती हैं। तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो, तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता, मगर अपनी पत्नियों को संरक्षण न देना निश्चित ही उन्हें विश्वासघाती दिखाता है। यदि तुम्हारी जागीर बड़ी है तो तुम अपने संग्रह में से उनका भरण पोषण करने में कोई भी कमी मत करना। तुम जितने समय तक यह करते हो, तुम्हारे स्वर्गीय माता पिता बिना अपवाद के तुम्हारा संरक्षण करेंगे और अंततः निचरिन की प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे भाई की पत्नियों पर कितना दोषारोपण किया जा सकता है। तुम ध्यान न देने का दिखावा करना। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि तुम सिर्फ इसी प्रकार व्यवहार करो जैसा मैंने सलाह दी है, तो तुम्हारी जागीर और भी बढ़ेगी और तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी कहावत है कि जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से पुण्य किया जाता है, वहाँ प्रत्यक्ष रूप में उसका पुरस्कार प्राप्त होता है। तुम्हारे साथी सैनिकों ने तुम्हारे स्वामी के समक्ष तुम पर मिथ्या आरोप लगाए, मगर क्योंकि तुमने कुछ वर्षों में बड़ी सच्चाई से अपने स्वामी के आगामी जन्म में उनकी देखभाल करने की तीव्र इच्छा को निरंतर बनाए रखा है, इसलिए तुम्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी तो यह शुरुआत है, पूरी तरह से आश्वस्त रहो कि बड़ा पुरस्कार भी निश्चित ही तुम्हें प्राप्त होगा। फिर भी तुम्हें उन सभी के साथ बेहतर मधुर संबंध रखने होंगे जो इस उपदेश या सिद्धांत पर आस्था रखते हैं। उनके बारे में न तो ऐसी बात देखना या सुनना अथवा संकेत से कहना जो तुम्हें क्रोधित कर दे। शांत भाव से निरंतर प्रार्थना करते रहना। मैंने जो ऊपर कहा वह मेरी निजी राय नहीं है। मैंने 3000 बुद्ध मत से भिन्न मतों को की रचनाओं और 5000 बुद्ध मत के ग्रंथों का सार निकालकर प्रमुख तथ्यों को लिखा है। गहरे आदर के साथ निचरिन। रिप्लाई टू शिजो किंगो 1278। परिशिष्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि 1278 में यह पत्र निचरिन दाशुनिन ने अपने शिष्य शिजो किंगो को लिखा था, जब निचरिन दाशुनिन मिनोबू में रह रहे थे।